आर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। आज झांसी मंडल आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह के कर कमलों द्वारा आयुक्त कार्यालय झांसी में किया गया ई ऑफिस प्रणाली का फीता काट कर शुभारंभ। मई प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला पहला मंडल बना झांसी। अपराधी एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे बबीना पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अरुण कुमार तिवारी थाना अध्यक्ष थाना बबीना जनपद झांसी, उप निरीक्षक शिवजीत सिंह चौकी प्रभारी भेल थाना बबीना, कांस्टेबल सुमित कुमार चौकी भेल थाना बबीना मौजूद रहे। झांसी के गरोठा अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरी घाट में एनजीटी के नियमों के विपरीत किया जा रहा अवैध खनन, वहीं ग्रामीणों ने इस पर जताई आपत्ति। झांसी में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न। साथ ही एग्जाम देकर निकले अभ्यर्थी खुश नजर आए। वहीं परीक्षा के एक दिन पहले पेपर लीक करने के प्रयास कर रहे गैंग के दो आरोपियों को किया है गिरफ्तार। जालौन में डीएम राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने उरई के जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण और कहा कि प्रतिबंधित सामान मिला तो की जाएगी कार्रवाई, साथ ही निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दी आवश्यक दिशा निर्देश। हमीरपुर में यूपी पुलिस की परीक्षा देने जा रहे भाई बहन को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर, जिसमें छात्रा की मौके पर हुई मृत्यु जबकि छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस डंपर चालक की तलाश में जुटी हुई है। छतरपुर में डॉक्टर और होमगार्ड के वायरल वीडियो को लेकर डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला ने जांच की और कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसको लेकर सीएचएमओ ने अभद्र व्यवहार करने वाले डॉक्टर को जिला अस्पताल से हटा दिया। रामपुर में 14 साल बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही 10,000 रुपए का लगाया आर्थिक दंड। फरुखाबाद में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा जनपद में हो रही आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा को सकुशल एवं सुचितापूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आर लाइव, खबर आपके लिए।